hi so today is 1st of september 2020 set number 20 25 mcqs in 30 minutes first section is quality quality mein Jo first question hai, that is about this anglo-indians consider the following statements with respect to anglo-indians number 1 seats are reserved for them only in the lok sabha lok sabha seats are reserved

ये स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है बिकॉज 2020 से ये जो दो सीट्स रिजर्व होती थी एंग्लो इंडियंस की ये अब प्रोविजन हट गया है सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो बोगस राइट ऑप्शन इज डी दिस इज क्वेश्चन नंबर टू न्यूज में डिफेक्शन काफी न्यूज में है एंटी डिफेक्शन लॉ कंसिडर द फॉलोइंग आर्टिकल्स विच ऑफ देम डील्स विद द डिसक्फिकेशन ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एम पी एम एल ए पार्लियामेंट एंड दिस विधानसभा ये डिसक्वालिफाई हो सकते हैं अंडर सर्टेन प्रोविजंस सो कौन से आर्टिकल से इसको डील करते हैं द राइट आंसर इज द राइट आंसर इज दिस आर्टिकल हंड्रेड एंड एंड टू हंड्रेड एंड थ्री ये दोनों है पार्लियामेंट में वन नाइंटी वन और वन नाइन्टी टू है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वन नाइन्टी वन एंड वन नाइनटी टू और यहाँ जो डिसक्वालिफिकेशन का प्रोविजन है वो है दिस ऑफिस ऑफ ऑफिस ऑफ सो द राइट आंसर इज दिस डी दिस इज क्वेश्चन नंबर थ्री रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिवोक किया बैन क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो करेंसी आर ने बैन किया था सुप्रीम कोर्ट ने वो बैन को रिवोक किया बाय द आर बी आई एज इट फेल्ड टू टेस्ट द प्रपोशनैलिटी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर जो बैन था उसको रिमूव किया ट्वेंटीन नाइन थर्टी टू ट्वेंटी है इक्वालिटी थर्टी टू इज रेमेडी बट नाइनटीन का जो नाइनटीन जी होता है दैट दैट इज इज अबाउट दिस ट्रेड ट्रेड सो इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड पे जो बैन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिवोक किया है सो द राइट आंसर इज दिस सी विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज पब्लिक अथॉरिटी अंडर आर टी आई एक्ट आर टी आई इज राइट टू इंफॉर्मेशन इस एक्ट के अंदर कौन सी बॉडी पब्लिक अथॉरिटी कही जाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैचरी बॉडी या बॉडी सब्सटेंशियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फंडिंग है वहां पे कुछ एड्स मिल रही है तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये स्टैचरी बॉडी येस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब

क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा विधानसभा राज्यसभा प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स प्रिपेयर करना है डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है जम्मू एंड कश्मीर अभी डीलिमिटे delimita, डीलिमिटेशन चल रहा है इलेक्टोरल रोल अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कहा था कि जॉइंट इलेक्टोरेट क्यों ना बना ले सी एंड दिस एस ई सी का तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है सो so, क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स आता है दिस 1950 में प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल 1950 फिफ्टी डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज नाइनटीन तो 1950 पहले आया है तो इसमें सारी बेसिक प्लेटफॉर्म है इलेक्शंस कैसे होंगे एंड ऑल फिर देन क्वालिफिकेशन डिसकॉलीफिकेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा तो ये आएगा 1951 में सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी सी इज द राइट ऑप्शन वन थ्री एंड फोर सो दीज आर फाइव क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी लेट इज मूव टू हिस्ट्री वारन हेस्टिंग्स वारन हेस्टिंग्स ने अबॉलिश किया था द सिस्टम ऑफ दस्तक दस्तक एक सिस्टम चलता था उसको वारन हेस्टिंग ने अबोलिश कर दिया ये दस्तक क्या था ये एक प्रीपेड पोस्टेज सिस्टम था जो वाइडली यूज होता था रूरल एरिया में ये सुपरलेटिव सिस्टम था लजिस्लेशन का कानून बनाने का ओवर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है उस पर ऊपर सेंटर कानून बना देगी रॉयल डिक्री था इशूड बाय द गवर्नर जनरल टू लोकल मर्चेंट्स व्यापारियों को दस्तक इशू होता था अ सिस्टम ऑफ फ्री पासेज फॉर इंटरनल ट्रेड इंटरनल ट्रेड में फ्री पास मिल गया है मतलब आपको टैक्सेशन नहीं देना पड़ेगा मूवमेंट पे फ्री पासिस हो गया है इंटरनल ट्रेड सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी दस्तक की डिमांड होती थी दिस दस्तक अ सिस्टम ऑफ फ्री पासेस तो दस्तक मिल जाता था तो इन्हें टैक्सेशन से बच जाते थे फ्री पासेस होता था गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस होता था दिस इज डी दिस इज क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इज आर एसोसिएटेड विद कॉर्नवॉलिस ये जितने गवर्नर जनरल हैं बंगाल इंडिया देन वाइस रॉय इनमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वन सच नेम इज दिस कॉर्नवॉलिस कॉर्नवॉलिस जब गवर्नर जनरल ब्रिटिश थे तो इन्होंने क्या रिफॉर्म्स किए अपॉइंटमेंट मेनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट मेरिटोक्रेसी को सपोर्ट किया दे आर बाय लेइंग द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेस आई सी एस सेपरेशन ऑफ द कमर्शियल जुडिशियल एंड रेवेन्यू ब्रांच ऑफ सर्विसेज किया इन तीनों को सेपरेट किया इन्होंने तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है आई सी एस मेरिट बेस्ड एंड सेपरेशन सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी दोनों करेक्ट हैं दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू नंबर एट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी हाइएस्ट डेवलपमेंट माइंड का और सोल साउल का सोल का पॉसिबल है अंडर विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन का माइंड एंड दिस सोल ये सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस सिस्टम में होगा एजुकेशन के इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट एक्सपोज टू नेचर आफ्टर अचीविंग बेसिक लिटरेसी सो दैट दे लर्न फ्रॉम नेचर नेचर से लर्निंग हो नेचुरल लर्निंग हो टेक्निकल और साइंटिफिक एजुकेशन सिस्टम हो सो दैट वो आर एंड डी एडवांस्ड दिस इंटीग्रिटी समझ पाएं रिलीजियस एजुकेशन हो जो इम्पार्ट करे अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज इंडिया में रिलीजन कल्चर बेसिक एजुकेशन हो जहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग मिले वर्क एक्सपीरियंस मिले और इसको इम्पोर्टेंस मिले सो so दैट वो एक लाइवलीहुड अर्न कर पाए सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी दिस इज राइट ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर नाइन है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स आर अगेन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम निरंकारी मूवमेंट था निरंकारीस गॉड किया नामधारी मूवमेंट फॉलोवर स्टार्टेड वियरिंग ब्लैक क्लोथ एंड परफॉर्म्ड तांत्रिक प्रैक्टिस अकाली जो थे स्टार्टेड अट टू रिमूव द करप्ट महंत फ्रॉम द सिख गुरु द्वारा समथिंग दैट टर्न इन अ पॉलिटिकल एसोसिएशन लेटर बाद में ये अकाली मूवमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टी भी बनेगी इनमें से करेक्ट क्या है सो दिस इज ट्रू ये निरंकारी मतलब वर्शिप होता है फॉर्मलेस गॉड में दिस इज ऑल्सो ट्रू बाद में ऐसी इनकी पार्टी बनेगी और ये जो महंत थे ये करप्ट हो गए थे इनको रिमूवल का बात था यहाँ पे दिस इज नॉट ट्रू वाई बिकॉज एक तो ये ब्लैक नहीं पहनते थे और दूसरा ये जो था दॉट अबाउट दिस तंत्र एंड व्यरिंग ब्लैक क्लोथ सो द राइट ऑप्शन इज दिस नंबर टेन है इंडिगो रिबेलियन एटीन फिफ्टी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इंडिगो रिबेलियन इंडिगो रिबेलियन में इंडिगो जो कल्टीवेटर्स थे इसका रीजन बताना है इंडिगो कल्टीवेटर्स नॉट रिसीविंग एनी लोन एंड सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश प्लांटर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था रिवोल्ट कर दिया अक्यूजेशन ऑफ कल्टिवेबल इंडिगो लैंड बाई ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ब्रिटिश इंडस्ट्रीज आई तो उन्होंने इनकी ज़मीन हड़प लिया हार्श एग्री इकोनॉमिक कंडीशंस थी जिसके कारण इंडिगो कल्टीवेटर्स वर पुट बाय द ब्रिटिश प्लांटर्स जो टर्म्स कंडीशंस थी एग्री इकोनॉमिक की वो फेवरेबल नहीं थी कॉलैप्स हुआ इंटरनेशनल प्राइस ऑफ इंडिगो का विच रिजल्टेड इन लार्ज स्केल फार्मर स्यूसाइड तो जो कॉज यहाँ पे हम देखें ब्रॉडली सो so जो कॉज था वो सी था ये फार फेस्ड है दिस इज नॉट ट्रू दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू ये सही है कि वहाँ एग्रो इकोनॉमिक कंडीशन फेवरेबल नहीं थी फाइनेंशियल लॉसेज हो रहे थे फाइनेंशियली वो सस्टेनेबल नहीं हो रहा था तो दैट इज़ बाय उन्होंने यहाँ पे रिबेल किया जितने भी मोस्ट ऑफ द रिबेल्स हो रहे हैं ट्राइबल एग्रीकल्चर के सबसे बड़ा जो मैटर होता है ना वो फाइनेंस होता है इवन एटीन फिफ्टी सेवन की भी जो रिवॉल्ट थी उसमें एक बहुत बड़ा अंडरटोन ये था कि उनको वेजेस प्रॉपर नहीं मिलते थे अलाउवेंसेज नहीं मिलते थे भत्ता नहीं मिलता था तो फाइनेंस इज अ वेरी बिग पार्ट सो द ऑप्शन इज सी नाउ लेट एस कम टू जोग्राफी सेक्शन एक टर्म होता है जिसका नाम होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन दोनों स्टेटमेंट को देखिए क्रॉपिंग इंटेंसिटी कैलकुलेट होती है रेशियो ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया टू नेट सोन एरिया क्रॉपिंग इंटेंसिटी इट इज़ लेस देन हंड्रेड परसेंट इन इंडिया अब ये हंड्रेड परसेंट तो नहीं है ये हंड्रेड परसेंट से बहुत ज़्यादा है दिस इज अराउंड वन सिक्सटी वन एट्टी ऐसा कुछ होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब है आपके पास ये कल्टिवेबल एरिया है इस एरिया में आपने कितने बार क्रॉप डेवलप किया तो इंडिया में जैसे वन हंड्रेड यूनिट लैंड है तो इसमें यह करीब वन सिक्सटी वन पॉइंट सेवन वन पॉइंट एट मतलब दो या तीन फसल उगा लेते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी सो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ट्रू बट सेकेंड ऑप्शन है वो रॉन्ग है रेशियो होता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का और जो नेट सोन एरिया है वो कितना है सो so, ग्रॉस मतलब टोटल कितना किया और नेट मतलब एक्चुअल एरिया 100 ही था तो से 160 सिक्सटी 100 हंड्रेड तो ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी सो दिस इज ए वन ओनली इकोटोन्स क्या होते हैं इकोटोन्स के बारे में स्टेटमेंट है देर विल बी मोर नंबर ऑफ इको ट्रांजिशन जोन इको टोन्स होंगे तो इको ट्रांजिशन जोन ज्यादा होंगे देर विल बी ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी हर स्पीशीज का एक बायोम होता है इको टोन्स जो होता है वो बेसिकली एक ट्रांजिशन एरिया होता है जैसे लैंड है और यहाँ पे वाटर आ रहा है तो इधर का एक ट्रांजिशन एरिया इको टोन्स हो गया तो इको टोन्स ज्यादा है तो मोर नंबर ऑफ इको ट्रांजिशन जोन होते हैं देर विल बी मोर नंबर ऑफ इको ट्रांजिशन जोन्स अगर ज्यादा इको टोन्स है तो ट्रांजिशन जोन भी ज्यादा होंगे और ट्रांजिशन जोन ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे स्पीशीज की डाइवर्सिटी ज्यादा होती है जो लैंड वाली भी है इधर वाली दोनों वहां पे आ सकती है तो डाइवर्सिटी बढ़ जाती है सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी बोथ वन एंड टू दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन ये बात है आई यू सी एन रेड लिस्ट पे आई यू सी एन की लिस्ट होती है कलर कोडेड होते हैं अकॉर्डिंग टू उनका स्टेटस क्या है पॉपुलेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटस अबाउट दिस चीरू चिरू क्या होता है एंटीलोप होता है विच इज ऑल्सो नोन एज तिब्बतन एंटीलोप इट इज हंटेड फॉर इट्स अंडर फॉर जिसको बोलते हैं शैतुश ये प्रेजेंट करता है इंटरनेशनल ट्रेड इन द प्रोडक्ट इज स्ट्रिक्ट प्रोहिबिटेड एट प्रेजेंट इसका ट्रेड प्रोहिबिटेड है मोस्ट ऑफ दिस स्पीशीज का ट्रेड प्रोहिबिटेड ही होता है इट इज रिसेंटली बीन अस्क्राइब द स्टेटसिटिकली एंड बाई दिस आई यू सी एन

ये ट्रू है और ये भी ट्रू है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए होगा एक्सप्लेनेशन गलत है तो बी होगा अगर ए ट्रू है आर रॉन्ग है तो सी अगर ए फॉल्स है आर ट्रू है तो फिर डी स्टेटमेंट है अजर्शन कि मॉनसून ऑफ सदर्न इंडिया मॉनसून सदर्न एंड ईस्टर्न एशिया में ड्रिवन बाय लोकेशन एंड साइज ऑफ एशियन लैंडमार्क होता है और प्रॉक्सिमिटी ऑफ द इंडियन ओशियन इंडिया में सदर ईस्टर्न एशिया में जो मॉनसून ड्राइव होता है वो इस प्रॉक्सिमिटी जोग्राफिकल पैरामीटर से होता है यहाँ विंड और लैंड प्रेशर सिस्टम होते हैं अपर एयर सर्कुलेशन में ये एसोसिएटेड है विद जनरेशन ऑफ मॉनसूनल फ्लो ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है एंड एक्सप्लेनेशन भी हम ट्रू बोल सकते हैं सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए बिकॉज इन टोटैलिटी में ये जो अपर एयर सर्कुलेशन होता है ये दो एक ऐसे तिब्बतन प्लेटू आता है तो जेट स्ट्रीम की सदन ब्रांच होती है वो जब समर्ज आता है तो ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाती है ये डिसअपियर हो जाती है और एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी स्टार्ट हो जाती है तो वो हेल्प करती है ट्रिगर ऑफ मॉनसून में सो तो ये भी ट्रू है जोग्राफिकल लोकेशन एशियन लैंडमार्क्स है बिकॉज तिब्बत है उसने बायफर्केट किया था प्रॉक्सिमिटी इंडियन ओशन की है तो दिस इज ट्रू दिस इज ट्रू ए इज द राइट ऑप्शन नंबर फिफ्टीन ये है एमिटर और ये है एमिटेड प्रोडक्ट डिकेइंग प्लांट्स क्या एमिट करेंगे वॉल्केनो क्या एमिट करता है ओशन क्या एमिट करता है फॉरेस्ट फायर क्या एमिट करता है एमिटेड प्रोडक्ट्स हैं कार्बन मोनॉक्साइड सॉल्ट स्प्रे हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर ऑक्साइड ओशंस कनेक्ट होना चाहिए सॉल्ट स्प्रे से तो सी के इसमें सेकेंड आना ही चाहिए दिस ओके देन फॉरेस्ट फायर है डिकेइंग प्लांट्स है एंड वॉल्केनोज है तो यहाँ सल्फर होगा अब सल्फर ऑक्साइड भी है एंड हाइड्रोजन सल्फाइड भी है सो so, इसका राइट right ऑप्शन है दिस टू राइट ऑप्शन इज दिस टू टू मीन्स सेकेंड दिस इज थ्री डिकेइंग प्लांट से आएगा हाइड्रोजन सल्फाइड देन बी इज़ फोर वॉल्केनो से आएगा सल्फर ऑक्साइड ओशियंस से आएगा सॉल्ट स्प्रे सी इज टू फॉरेस्ट फायर से होगा कार्बन मोनॉक्साइड इनकम्प्लीट कम्बस्टन प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है कार्बन मोनॉक्साइड फॉर्म होगा सो द राइट ऑप्शन इज दिस टू दिस इज द राइट ऑप्शन डींगनो ओ ओशन एंड फॉरेस्ट फायर नाउ लेट टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में नंबर सिक्सटीन है विच मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ग्रांट इंफ्रास्ट्रक्चर कल हमने देखा था कंस्ट्रक्शन जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है तो ये डिसीजन कौन करता है डिपार्टमेंट कौन करता है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलेगा वेरियस सेक्टर्स को क्या ये काम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये डिसीजन लेगा या नन ऑफ द अबव द राइट ऑप्शन इज इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये डेजिग्नेट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का अभी जो वेयर हाउसेज है ना इनको भी इंफ्रास्ट्रेटर्स मिल गया था दिस इज इंफ्रास्टेटस इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा न्यूज में है आज न्यूज पेपर में हमने पढ़ा ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में तो आर बी आई ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है आर बी आई मॉनिटरी पॉलिसी करती है टू टेम दिस इन्फ्लेशन सम ऑफ यू आज दिस जो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी है ना इसका अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो वो स्पेसिफिक होता है ऑब्जेक्टिव इसका होता है दिस इन्फ्लेशन को टारगेट करना फोर प्लस माइनस टू परसेंट के इसमें बैंडविट में रखना तो इन्फ्लेशन एक्ट एज अ टैक्स इन द इकोनॉमी इन्फ्लेशन एक टैक्स की तरह लगता है और ये टैक्स प्रोग्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं है प्रोपोर्शनल भी नहीं है हर किसी को बराबर देना पड़ रहा है प्रोपोर्शनल नहीं है ये रेग्रेसिव इसे बोल सकते हैं इन्फ्लेशन इज नॉट गुड जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो गरीब होता है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है बिकॉज उसको ज़्यादा यहाँ पे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है रेग्रेसिव हो जाता है ये तो दिस इज सी ये नंबर एटीन है जीएसटी काउंसिल भी अभी काफ़ी न्यूज़ में है फोर्टी वन जी काउंसिल मीट हुआ था और एक्ट ऑफ गॉड भी काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी एस ये लेवाई करता है सेंटर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में बिकॉज जी क्या होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है कॉम्प्रीहेंसिव टैक्स होता है तो आई रेट इज इक्वल टू सी प्लस जो स्टेट का है या यू का जी रेट है आई जी एस टी सेंट्रल एंड दिस स्टेट और यू टी का मिल जाएगा बिकॉज इंटर सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है यहां पे सेंटर इन्हें लवाई करेगा अट्ठाईस स्टेट्स हैं टैक्स रेवेन्यू इज शेयर्ड इक्वली अमंग द सेंटर एंड द कंज्यूमिंग स्टेट और यूनियन टेरेटोरी तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो ट्रू रिगार्डिंग दिस इंटीग्रेटेड जीएसटी सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी दिस इज ट्रू दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी नाउ दिस इज़ नंबर नाइनटीन ये टर्म भी आज हमने देखा ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट जो जी डी पी है इंडिया का ये टैंक हुआ है दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल ये रेट डिक्लाइन हुआ है ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट तो एक टर्म पहले आता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पहले अस्सी के ज़माने में रेफर्स टू थ्री पॉइंट सेवन परसेंट पर एन एम ग्रोथ था उसमें बोला था कि थ्री पॉइंट सेवन परसेंट पे ही स्टेग्नेट हो जाएगी ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट सिक्स फाइव ईयर प्लान में ये टर्म किन्होंने कॉइन किया था इन्होंने बोला था इनहर फ्लॉज हैं तो हमारी 3.7 से ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं हो पा रही है दिस इज हिंदू रेट ऑफ़ ग्रोथ तो ये जो टर्म कॉइन किया था ये दिल्ली स्कूल के प्रोफेसर थे कृष्णा राज कृष्णा राज जी ने ये हिंदू रेट ऑफ़ ग्रोथ कॉइन किया था टर्म दिस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देन नंबर ट्वेंटी वैल्यू जो होती है फाइनल गुड्स की गुड्स एकदम फाइनल हो गए उसकी वैल्यू एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड देयर प्रॉपर्टी एक रेसिडेंट है प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज से जो वैल्यू प्रोड्यूस हुआ है वेदर ऑपरेटिंग विद इन द डोमेस्टिक टेरिटोरी ऑफ द कंट्री और आउटसाइड इन अ ईयर इस टर्म डेज इसको हम क्या बोलेंगे जी हमें पता है जी होता है टेरिटोरी में तो यहाँ आउटसाइड भी लिखा है तो ये जी तो नहीं होगा नेट होता है मतलब वहां पे कुछ डेप्रिशिएशन वगैरह भी काउंट होना चाहिए वो यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है तो ये भी नहीं होगा बी भी नहीं होगा सी भी नहीं होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी नहीं होगा दिस इज कॉल्ड ए ग्रॉस नेशनल इनकम बिकॉज ग्रॉस नेशनल इनकम पे फोकस होता है इंडिविजुअल्स में यहाँ क्या लिखा है दिस गुड्स एन नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री तो जी डी पी नेशनल इनकम प्लस माइनस इंडियंस बाहर से पैसा लाए फॉरेनर्स इंडिया से बाहर पैसा ले गए दैट इज दिस ए ग्रॉस नेशनल इनकम सो so, ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं नाउ दिस इज अबाउट क्वेश्चन ट्वेंटी वन करंट अफेयर्स बायो टॉयलेट्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है रेलवेज बहुत इस पे मिशन मोड में काम कर रहा है कि सारी जो ट्रैक्स हैं सारी कोचेज हैं उनको ये बायो टॉयलेट्स लगाना है वहाँ पे दे प्रिन्ट इरोजन ऑफ रेलवे ट्रैक दैट वॉज कॉज ड्यू टू ओपन डेफिकेशन फ्रॉम द कोचेज कोचेज में लीकेजेस भी होता है तो इससे जो ट्रैक होता है उसका क्लीन करना तो डिफिकल्टी है प्लस आयरन एंड ऑल यहाँ पे इरोजन भी होगा बायो टॉयलेट्स डो नॉट रिक्वायर वॉटर एंड कैन ऑपरेट इन अ वेराइटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन ये जहाँ वर्ड कैन आता है ना ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है ये बहुत सारे एवेन्यूज ओपन कर देता है नॉट अ हंड्रेड परसेंट फुल प्रूफ बट कैन बहुत वो एवेन्यूज ओपन कर देता है तो दिस इज ऑल्सो ट्रू कैन ऑपरेट इन अ वेराइटी ऑफ क्लाइमेटिक सिचुएशन विदाउट वाटर भी यहाँ पर ऐसे डिसइंटीग्रेशन होगा सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी सी सॉरी राइट ऑप्शन इज दिस सी दिस इज ऑल्सो करेक्ट दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट तो दोनों करेक्ट है ग्लोबल अर्बन एम्बियंट एयर पॉल्यूशन अर्बन शहरों में एम्बियंट एयर पॉल्यूशन एम्बियंट एयर पॉल्यूशन मेट्रोपोलिटन में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है एयर पॉल्यूशन होता है फिर पर्सन फिल्टर्स लगाते हैं दहली में अभी ये स्मॉग टॉवर लगाने की बात है आई आई टी बॉम्बे को रिक्रमेंड किया था सुप्रीम कोर्ट ने स्मॉग टॉवर्स तो ग्लोबल अर्बन एम्बियट एयर पॉल्यूशन डेटा बेस है यह रिलीज कौन करेगा मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट एयर पॉल्यूशन हैबिटेट करेगा एयर पॉल्यूशन का या डब्ल्यू एच ओ करेगा एयर जो पॉल्यूशन होता है ना दिस इज कनेक्टेड टू दिस डिसीजेज एंड ऑल तो ये डेटा आता है दिस डब्लूएचओ के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एयर पॉल्यूशन डेटा बेस ये टर्म अक्सर हम यूज करते हैं ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क पेटेंट आई पी आर इन सब के डिफ्रेंसेज हमें पता होने चाहिए दिस इज ट्रेड मार्क ट्रेडमार्क कैन लास्ट फॉर इंडेफिनट टाइम पीरियड यस ट्रेडमार्क जो होता है इसका इंडेफिनेट पीरियड हो सकता है बिकॉज दिस इज अ ट्रेड मार्क पर्सन का ट्रेडमार्क हो सकता है कंपनी का ट्रेडमार्क हो सकता है सो दैट इज कॉल्ड दिस ट्रेड मार्क ट्रेड मार्क आर अजाइनेबल प्रोटेक्टेड थ्रू ट्रेड मार्क एक्ट नाइनटीन नाइन्टी नाइन इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू है सेकेंड भी ट्रू है अजाइन हो सकते हैं और ये नाइनटीन नाइनटी एक्ट

ये होगा फोकस एग्रो मरीन प्रोसेसिंग में मिनिस्ट्री एंड दिस फोकस सो इसमें करेक्ट कोड क्या होगा क्या ये 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 एंड दिस सो द राइट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इज दिस डी बिकॉज दिस इज रॉन्ग ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है ये मिनिस्ट्री फूड प्रोसेसिंग होती है फूड प्रोसेसिंग मतलब आपने एक रॉ फिश है फिश से आपने कुछ ऑयल एंड ऑल कुछ प्रोसेस करके बना दिया तो वो प्रोसेस्ड कैंड फिश हो जाएगा उसका वैल्यू ज्यादा मिलेगा बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी ये मिनिस्ट्री दिस ऑल्सो रॉन्ग ये फोकस करेगा एग्रो मेरीन प्रोसेसिंग में सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्थ है अभी टैक्स चार्टर की बात था और फेसलेस असेसमेंट की बात था टैक्सेशन में टैक्स पेयर्स में तो ई असेसमेंट स्कीम क्या बोलती है अलाउ करेगी फेसलेस असेसमेंट टैक्सपेयर का फेसलेस मतलब कंप्यूटराइज्ड होगा ऑटोमेटिक होगा अभी न्यूज़पेपर में हमने नोलान कमेटी डिस्कस किया था आंसर राइटिंग किया था वेरी इंपॉर्टेंट ई असेसमेंट स्कीम में फेसलेस असेसमेंट होगा टैक्सपेयर का ये फॉर डायरेक्ट टैक्सपेयर है ये नेशनल ई असेसमेंट सेंटर मुंबई फाइनेंशियल ज्यादातर मुंबई में होते हैं सो बिकॉज मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल भी है सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो अब इसमें क्या करेक्ट होगा सो दिस इज ट्रू दिस इज ऑल्सो ट्रू बट ये मुंबई नहीं है दिस इज दिल्ली सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी वन एंड टू सो दिस इज अबाउट ई असेसमेंट स्कीम फेसलेस असेसमेंट डायरेक्ट एक्सपेयर एंड हेडक्वाटर इसका दिल्ली में है ये है संपदा स्कीम फूड प्रोसेसिंग के लिए है एग्रोमरीन प्रोसेसिंग फोकस है ट्रेडमार्क दिस ऑल दीज स्टेटमेंट आर ट्रू ग्लोबल अर्बन इंडियन एयर पॉल्यूशन बाय डब्ल्यू एच ओ बायो टॉयलेट्स होते हैं रेलवे एम्फेसाइज कर रही है दिस इज अबाउट ग्रॉस नेशनल इनकम इन की वर्ड्स के नाम हमें पता होने चाहिए हिंदू रेट ग्रोथ है दिस इज बायर राजकृष्णा इकोनॉमिस्ट आई जी एस टी ये है इनफ्लेशन इन्फ्लेशन रेग्रेसिव इन नेचर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिस इज लिस्ट वन एमिटर एंड एमिटेड प्रोडक्ट अजर्शन एंड रीजनिंग चिरू चिरू अभी नियर थ्रेटन में है क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है इकोटोन्स ट्रांजिशन एरिया होता है ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी है कितने दफ़े वहाँ पे एक खेत में कितनी ज़्यादा फसल सीजन हमने लगाए दैट इज दिस क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया में हंड्रेड परसेंट से ज्यादा है ये इंडिगो रिबेलियन का कॉज देन निरंकारी नामधारी मूवमेंट ब्लैक क्लोथ्स नहीं होगा और ये अकाली है दिस इज अबाउट महात्मा गांधी जी वोकेशनल स्किल्स एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो एक स लाइवलीहुड अर्न कर पाए कॉनवॉलिस गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश दस्तक दिस फ्री पास ऑफ इंटरनल ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आर पी एस सौ पचास और उन्नीस सौ इक्यावन बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट ये पब्लिक अथॉरिटी अंडर दर टी आई एक्ट है एंड दिस इज अबाउट क्रिप्टो करेंसी नाइनटीन जी मतलब राइट टू ट्रेड दीज ऑल आर फॉर डिस्कालिफिकेशन ऑफिस ऑफ प्रोफिट के लिए है ये एंग्लो इंडियन है अब इनकी सीट रिजर्व नहीं हो रही है जो दो होती थी सो दिस इज डी सो so, ये है फर्स्ट ऑफ सितंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ